बच्चों आज हम पढ़ेंगे प्रथम आंग्ल सिख युद्ध और द्वितीय आंग्ल सिख युद्ध। हमने इससे पहले ये पढ़ा, रणजीत सिंह के समय सिखों और अंग्रेजों के मध्य किस प्रकार के संबंध थे। आपने अमृतसर की संधि का अध्ययन किया। अब हम देखेंगे कि प्रथम आंग्ल सिख युद्ध के क्या-क्या कारण थे। इस युद्ध के प्रमुख कारण थे रणजीत सिंह के अयोग्य उत्तराधिकारी, सिख सरदारों की फूट, खालसा दरबार की गुटबंदी, अंग्रेजों की साम्राज्यवादी नीति, अंग्रेज गवर्नर लॉर्ड हार्डिंग की चतुर कूटनीतिज्ञता, लाहौर दरबार के सरदारों का स्वार्थपूर्ण व्यवहार। तो सबसे पहले हम देखते हैं रणजीत सिंह के अयोग्य उत्तराधिकारी। रणजीत सिंह की मृत्यु के पश्चात उसका पुत्र खड़क सिंह गद्दी पर बैठा। वो विलासी और अयोग्य था। 18 महीने शासन करने के बाद उसकी मृत्यु हुई और उसका 18 वर्षीय पुत्र नौनिहाल गद्दी पर बैठने वाला था कि पिता के संस्कार से आने पर ही उसकी मृत्यु हो गई। खड़क सिंह की गद्दी पर बैठने के समय उसका एक भाई सैर सिंह भी गद्दी पर बैठना चाहता था अंग्रेजों की सहायता से, लेकिन वो असफल रहा। नौनिहाल की मृत्यु के पश्चात लाहौर दरबार दो भागों में विभक्त हो गया। कुछ सरदार सैर सिंह को गद्दी पर बिठाना चाहते थे, उसमें डोगरा सरदार प्रमुख थे। सिंधन वालिया सरदार नौनिहाल की विधवा का समर्थन कर रहे थे जो गर्भवती थी। शेर सिंह ने डोगरा सरदारों के समर्थन से गद्दी प्राप्त की, लेकिन वो योग्य शासक नहीं था। शेर सिंह की हत्या सिंधन वालिया द्वारा करवा दी गई और अंत में रणजीत सिंह के अल्पवयस्क पुत्र दिलीप सिंह को महाराजा बनाया गया और उसकी माता रानी जिंदन ने उसकी संरक्षिका के रूप में कार्य किया। और जो वजीर बनाया गया था हीरा सिंह ने, उसकी भी हत्या करवा दी गई। तो हमने देखा कि किस तरह रणजीत सिंह के अयोग्य उत्तराधिकारी गद्दी पर बैठे। पहले खड़क सिंह के बाद जो है सैर सिंह, खड़क सिंह के बाद सैर सिंह बनना चाहता था, सैर सिंह नहीं बन पाया, नौनिहाल की मौत हो गई। फिर उसके बाद शेर सिंह गद्दी पर बैठा, शेर सिंह को भी मरवा दिया गया। फिर जो है उसके बाद दिलीप सिंह को गद्दी पर बिठाया गया। इस तरह अयोग्य उत्तराधिकारी के कारण अंग्रेजों के जो है हौसले बुलंद हो गए। अब हम देखेंगे सिख सरदारों की फूट। हमने पहले भी देखा कि रणजीत सिंह के अयोग्य उत्तराधिकारियों के कारण लाहौर दरबार षड्यंत्र, धोखेबाजी और खुशामदी के माहौल में सिमटा हुआ था। इस समय तीन प्रकार के सिख सरदार थे। फर्स्ट सिख सरदार, इसका मुखिया सिंदन वालिया था। डोगरा सरदार, इनका प्रधान गुलाब सिंह था। बाहर से आए सैनिक अधिकारी, इनका मुखिया लाल सिंह था। ये तीनों सरदार आपस में द्वेष, ईर्ष्या और अपने अपने प्रमुख शासकों को बनाना चाहते थे और उतारना चाहते थे। फिर हम देखेंगे खालसा दरबार की गुटबंदी। खालसा दरबार किस तरह से गुटबंदी से लिप्त था। खालसा दरबार से अभिप्राय है कि जो रणजीत सिंह द्वारा प्रशासन संचालित करने के लिए एक दरबार बनाया गया था, उस दरबार में किस तरह की गुटबंदी प्रारंभ हो गई थी। हमने देखा कि खड़क सिंह की मृत्यु हो जाने के बाद उसका 18 वर्षीय पुत्र नौनिहाल
यद्यपि योग्य था, लेकिन पिता के दाह संस्कार से वापस लौटते समय लाहौर के किले का फाटक गिर जाने से उसकी मृत्यु हो गई। कुछ इतिहासकार ये मानते हैं कि ये डोगरा सरदार गुलाब सिंह के षड्यंत्र का परिणाम था, क्योंकि नौनियाल ने अपने पिता के समय से ही डोगरा सरदारों की बढ़ती शक्ति का विरोध किया था और डोगरा सरदार शेर सिंह को गद्दी पर बिठाना चाहते थे, जबकि सिंधन वालिया जो है नौनिहाल की विधवा का समर्थन कर रहे थे जो गर्भवती थी। कालांतर में हम देखते हैं कि शेर सिंह को सिंधन वालिया द्वारा मरवा दिया गया। डोगरा सरदार ध्यान सिंह जो कि वजीर के पद पर कार्य कर रहा था उसकी भी हत्या करवा दी गई और अंत में रणजीत के अल्पवयस्क पुत्र दिलीप सिंह को महाराजा बनाया गया। फिर हम देखेंगे अंग्रेजों की साम्राज्यवादी नीति। अंग्रेजों ने ये देख लिया था, इस समय जो गवर्नर जनरल थे वो लॉर्ड हार्डिंग थे, और उन्होंने ये देख लिया था कि जो है पंजाब पूरी तरह से दलबंदी से ग्रसित है, शासक अयोग्य है, सेना में फूट है, निर्बल है और आसानी से इस पर अधिकार किया जा सकता था, क्योंकि वो तो संपूर्ण भारत पर अंग्रेजी साम्राज्य स्थापित करना चाहते थे। और ऐसे अवसर पर गवर्नर जनरल लॉर्ड हार्डिंग ने सेनाओं को तैयार रखा और आक्रमण की पूरी तैयारियां प्रारंभ कर दी। फिर हम देखेंगे लाहौर दरबार के सरदारों का स्वार्थपूर्ण व्यवहार। लाहौर के सरदार भी जो है गुप्त रूप से अंग्रेजी सेना का या अंग्रेजों का समर्थन कर रहे थे। ये तथ्य इस बात से स्पष्ट हो जाता है कि सिख राज्य में बढ़ते हुए आंतरिक कलह को देखकर अंग्रेजों ने उसका लाभ उठाने का निश्चय किया। लाहौर में अंग्रेजी दूत गुप्त रूप से खालसा दरबारों के षड्यंत्रों में भाग लेने लग गया था और इस तरह से जो लाहौर दरबार के सरदारों का स्वार्थपूर्ण व्यवहार प्रथम आंग्ल सिख युद्ध का कारण बना। अब हम देखेंगे कौन कौन सी लड़ाइयां अंग्रेजों और सिखों के मध्य हुआ। अंग्रेजों ने लॉर्ड हार्डिंग के नेतृत्व में संपूर्ण सैनिक तैयारियां प्रारंभ कर दी थी और ऐसे षड्यंत्र रचने प्रारंभ कर दिए थे जिससे ये लगे कि पंजाब की रक्षार्थ अंग्रेज सेना आक्रमण कर रही है और संपूर्ण जिम्मेदारी पंजाब के शासक और सरदारों पर डाल देना चाहते थे। ऐसी तैयारियां उन्होंने प्रारंभ कर दी और लास्ट में जब युद्ध की घोषणा की गई तो ये कहा गया कि रणजीत सिंह द्वारा की गई अमृतसर संधि का शासक द्वारा पंजाब के शासक द्वारा उल्लंघन किया गया है, इसलिए युद्ध अवश्यम्भावी है। अंग्रेजों और सिखों की प्रथम लड़ाई 18 सितंबर 1845 में मुदगी नामक स्थान पर हुई। इसमें सिखों की हार हुई। इसके बाद दूसरी लड़ाई फिरोजपुर में 21 दिसंबर बच्चों माफ कीजिएगा, ये जो सितंबर लिखा हुआ है इसकी जगह आप दिसंबर पढ़ना, क्योंकि ये 18 दिसंबर को हुई थी और दूसरी लड़ाई 21 दिसंबर 1845 को हुई थी, तो इसको आप सितंबर की जगह 18 दिसंबर पढ़िएगा। फिर दूसरी लड़ाई फिरोजपुर में 21 दिसंबर 1845 को हुई और ये इसमें सिख सेना का नेतृत्व लाल सिंह ने किया और इस बार सिखों का पलड़ा भारी था, किंतु लाल सिंह की गद्दारी ने जीत को हार में तब्दील कर दिया। इस लड़ाई के बीच में मैदान छोड़कर वो चला गया। फिर हम देखते हैं तीसरी लड़ाई जो है लुधियाना के निकट आलीवाल में हुई। इसमें प्रारंभ में सिख जीत रहे थे किंतु बाद में अंग्रेज सेना ने उन्हें धकेल दिया। अंतिम लड़ाई सुबराव नामक स्थान पर हुई।
1846 में तेज सिंह के विश्वासघात के कारण सिखों को हार का सामना करना पड़ा। लौटती हुई सिख सेना के बोझ से सतलज का पुल टूट गया और काफी संख्या में सैनिक डूबकर अथवा अंग्रेजों की गोलियों से मारे गए। अंग्रेजों ने लाहौर पर अधिकार कर लिया। इन घटनाओं के पश्चात और सिखों की हार के बाद जो परिणाम सामने आया वो है लाहौर की संधि। 1846 में लाहौर की संधि अंग्रेजों और महाराजा दिलीप सिंह और गवर्नर जनरल लॉर्ड हार्डिंग के मध्य हुई और इस संधि में दिलीप सिंह को पंजाब का नौ मार्च 1846 में दिलीप सिंह और गवर्नर जनरल लॉर्ड हार्डिंग के मध्य संधि हुई और इसमें सतलज नदी के दक्षिण का क्षेत्र जिस पर अंग्रेजों का पहले से ही आधिपत्य था अब स्थायी रूप से अंग्रेजों के अधीन मान लिया गया। दूसरा, सतलज नदी के दक्षिण का क्षेत्र देख ही लिया हमने। अब हम देखेंगे सतलज और ब्यास नदी के बीच में जलंधर दोआब क्षेत्र पर अंग्रेजों का अधिकार हो गया। लाहौर दरबार पर 1.5 करोड़ रुपए क्षतिपूर्ति के रूप में निर्धारित किए। पंजाब ने 50 लाख रुपए चुकाने का आश्वासन दिया और 1 करोड़ के बदले में हजारा और कश्मीर के प्रदेश कंपनी को दे दिए। सिख सेना को घटाकर 20,000 पैदल और 12,000 घुड़सवार कर दिए। दिलीप सिंह को पंजाब का महाराजा और रानी जिंदन को उसकी संरक्षिका और लाल सिंह को वजीर बनाया गया। पंजाब राज्य को कंपनी की पूर्व अनुमति के बिना किसी भी यूरोपीय अथवा अमेरिकन को अपनी सेना में न रखने का वचन देना पड़ा। पंजाब दरबार में अंग्रेज रेजिडेंट को नियुक्त किया गया। सर हेनरी लॉरेंस को इस पद पर नियुक्त किया गया। कंपनी ने पंजाब के आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप न करने का वादा किया। कंपनी द्वारा कश्मीर और उसके आसपास का प्रदेश डोगरा सरदार को 1 करोड़ रुपए में बेच दिया। और ये डोगरा सरदार जो था इसका नाम था गुलाब सिंह। ये एक विश्वासघाती था और उसकी सेवाओं के लिए इसे पुरस्कृत किया गया था और उसे एक विशाल प्रदेश का शासक बना दिया गया था। इस संधि के पश्चात अर्थात लाहौर संधि के पश्चात एक और संधि संपन्न की गई जिसे भैरोवाल की संधि कहा जाता है। ये 15 दिसंबर 1846 को पंजाब एवं कंपनी के मध्य संपन्न हुई। इसे लाहौर की द्वितीय संधि के नाम से भी जाना जाता है। अब इसकी क्या क्या शर्तें थी? कंपनी की सेना को पंजाब में रखने का फैसला किया गया। इसके लिए पंजाब राज्य ने 22 लाख रुपए वार्षिक कंपनी को देना तय किया। दूसरी शर्त इसकी ये थी कि पंजाब का प्रशासन चलाने के लिए अंग्रेजों के समर्थक 8 सिख सरदारों की एक संरक्षण परिषद बनाई गई जिसका अध्यक्ष हेनरी लॉरेंस को बनाया गया। लाल सिंह को बंदी बनाकर देहरादून भेज दिया गया। रानी जिंदन को प्रशासन से वंचित कर दिया गया। तो ये थी भैरोवाल की संधि जो लाहौर की द्वितीय संधि के नाम से जानी गई। अब हम देखेंगे प्रथम आंग्ल सिख युद्ध के क्या परिणाम निकले। इस प्रकार इस युद्ध से अंग्रेजों का सिख राज्य पर नियंत्रण स्थापित हो गया। उन्होंने काफी प्रदेश छीन कर और सेना की शक्ति कम करके उसे निर्बल बना दिया।
अफगानिस्तान की ओर से खतरे का मुकाबला करने के लिए अंग्रेज सेना को पंजाब के मार्ग से जाने की अनुमति मिल गई। यद्यपि युद्ध के तुरंत बाद गद्दार सरदारों को पुरस्कृत किया गया, किंतु उनकी प्रतिद्वंद्विता को समाप्त नहीं किया गया। लाल सिंह ने गुलाब सिंह के कश्मीर पर अधिकार करने के कार्य में बाधाएं प्रस्तुत की। इस पर अंग्रेजों ने उस पर और रानी जिंदन पर हत्या करने का आरोप लगाकर बंदी बनाकर बनारस भेज दिया। संपूर्ण पंजाब पर अंग्रेजों ने अपना आधिपत्य स्थापित करने का प्रयास किया। तेज सिंह, जो एक विश्वासघाती था, सिख सेना का प्रमुख सरदार था, उसको किसी ने डुबोकर मार दिया। और इस प्रकार इस प्रथम आंग्ल सिख युद्ध ने दूसरे आंग्ल सिख युद्ध की पृष्ठभूमि तैयार कर दी। ये था प्रथम आंग्ल सिख युद्ध बच्चों, जिसमें हमने देखा कि किस तरह अयोग्य उत्तराधिकारियों के और लाहौर दरबार की गुटबंदी, खालसा सरदारों की द्वेषता, ईर्ष्या, विश्व अंग्रेजों की बढ़ती हुई ताकत, इन सब ने मिलकर प्रथम आंग्ल सिख युद्ध की पृष्ठभूमि तैयार की। इसमें सिख पूरी तरह से परास्त हुए। परास्त होने का कारण उनके सरदारों के विश्वासघात रहे। तत्पश्चात लाहौर की संधि संपन्न की गई। इन संधियों में लाहौर के पश्चात भैरोवाल की संधि संपन्न की गई। इन संधियों के पीछे कंपनी सरकार की मंशा सेना को निर्बल करना और अधिक से अधिक पंजाब के प्रदेशों को हस्तगत करना था, जिसका परिणाम आपके स्क्रीन पे आपके समक्ष है। और कुछ ही वर्षों पश्चात यानी कि 4648 में दूसरा 1848 में दूसरा आंग्ल सिख युद्ध संपन्न हुआ और 49 में पंजाब को कंपनी राज्य में मिला लिया गया।